महर्षि महेश जोगेजी 104वां जन्मोत्सव महासमारोह पुरी में पालित तो होती श्रीराम सुंदरकांड चैरिटेबल ट्रस्ट तरफ शारदा देवी रोड स्थित शारदा गार्डन परिसर में नवदिनात्मक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव सप्तम दिवस उत्सव स्थल में महर्षि महेश जोगीजी 104वां जन्मोत्सव पालित होती उत्कल पीठाधीश्वर जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य स्वामी अरूपानंदाचार्य महाराज मुख्य अतिथि रूपे जोगदे महर्षि प्रचेषा फल ब्राह्मण मान द्वारा वेद सुरक्षित अच्छी प्रत्येक ग्राम से गोशाला निर्माण हो और प्रत्येक घरे गोसेवा करा सहित रामायण पाठ कर सदा सर्वदा सनातन धर्म सुरक्षित रहा सहित महर्षि महेश जोगेशी स्वप्न साकार हो वेद सुरक्षित रहा ग्राम मान में भागवत टुंगी अच्छी रामायण किंवा भागवत पढ़ा जाऊना ता दुर्भाग्यजनक से स्थान में क्लब गठन कर मादक द्रव्य सेवन युवपीढ़ी निजक नियोजित करजपाई हानिकारक युवपीढ़ी निशा ठार दूरे महर्षि मार्गदर्शन अनुजाई वेद अध्ययन करने सहित गोसेवा करले रामराज्य गठन हो पार एले मात्र संदेह ना गोमाता राष्ट्रमाता घोषित कर महोत्सव मार्गदर्शक तथा श्रीमंदिर वरिष्ठ सेवायत रजत कुमार प्रतिहारी अतिथि को स्वागत करता बेले ट्रस्टर प्रतिष्ठाता तथा संपादक पंडित विष्णुचरण पंडाजी महाराज सभापतित्व करते ट्रस्ट तरफ महर्षि महेश जोगीजी 104वां जन्मोत्सव अवसर में चतुर्वेद पाठ कर वैदिक ब्राह्मण मैंने पूजा करने सहित उत्कल पीठाधीश्वर जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य स्वामी अरूपानंदाचार्य वेदमंत्र मध्यम वैदिक ब्राह्मण मैंने पूजन करते उत्सव स्थल में नेबलदास मंथर महंत डॉक्टर रामचरण दास जी महाराज अभ्यर्थना कमिटी अध्यक्ष मधुसूदन सिंगारी पूर्वतन नगरपाल शांतिलता प्रधान अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष आचार्य एवं वेद गुरु नित्यानंद कर पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी बलराम मिश्र वैदिक पंडित सौम्यरंजन आचार्य ब्रिजमोहन दास जिला प्राणी धन अधिकारी डॉक्टर जी नरेश कुमार डॉक्टर अंतर्यामी खुंटिया और निहार रंजन मानसिंह प्रमुख उपस्थित थे। नमन करते हुए आज हमारा भी जगन्नाथ जी के श्री चरणों में शारदानंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हमारे परम गुरु जी आदरणीय हमारे उत्कल पीठाधीश्वर जो स्वामी अरूपानंद जी महाराज जी हमको जो आशीर्वाद दिए ऐसे आशीर्वाद हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके शरीर को आरोग्य रखे और वो आकर इसी प्रकार हमको आशीर्वाद दे। अभी आप लोग को सबको विनती है जो लोग यहाँ पर आठ दिवस हो गया अपना घर अपने परिवार कहाँ ये होगा नहीं कभी उसका विलक्षण होगा नहीं क्योंकि आप लोग जानते ये होगा नहीं कभी उसका विलक्षण होगा नहीं क्योंकि आप लोग जानते आप लोग मतलब खुद गुरुवर्ग नहीं।